हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर लाइन के बारे में। आपने इस लाइन के बारे में खूब सुना होगा कि एक लाइन होती है, उस लाइन पे एक पॉइंट होता है जिसको आप लोग जीरो कहते हो, ठीक है। और उसके बाद जीरो के राइट्स कुछ नंबर्स दिखाए गए रहते हैं, जीरो के लेफ्ट कुछ नंबर्स दिखाए गए रहते हैं, है ना। असल में होता है क्या है कि एक डिस्टेंस होती है कोई खास तरह की, जिसको आप यूनिट लेंथ कह सकते हो, ठीक है। और उतने लेंथ पर, मतलब मान लो ये लेंथ है और इसको हम वन यूनिट लेंथ कह रहे हैं, तो इस फिक्स लेंथ पर बराबर बराबर दूरी पर, मतलब इतनी ही दूरी लेनी है ना, पॉइंट मार्क किया हुआ रहता है। जैसे ये लेंथ फिक्स है ना, तो इस पर इतना, फिर अगला देखो ये आ रहा है, फिर अगला ये आ रहा है, फिर अगला ये आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ये जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो इस तरह से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट मार्क किया हुआ रहता है, और आप इसको बोलते हो जीरो। ये अगर यूनिट लेंथ है तो जीरो से वन यूनिट राइट जो दिख रहा है उसको आप कहते हो वन, फिर एक और आगे जाते हो तो आप कहते हो टू, फिर एक और यूनिट लेंथ आगे जाते हो तो कहते हो थ्री, फिर ये फोर। ये सब राइट वाले मार्किंग हैं, और राइट में आप पॉजिटिव मार्किंग करके लिखते हो। जब आप लेफ्ट जाते हो तो फिर आप मार्किंग करते हो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और ऐसे ही माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, इस तरह से आप करते चले जाते हो। और ये आपका नंबर लाइन क्या हो गया, तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है? असल में ये सिर्फ वन टू थ्री फोर और माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री के लिए नहीं बनाया। समझ में आ रहा है ना, इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को दिखाता है ना, वो भी यूनिक रियल नंबर को। मतलब ये नहीं कि बस ये वन टू थ्री फोर को दिखा रहा है, नहीं, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट है, तो भैया अनंत है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर अनंत कहाँ हो सकते हैं, डॉट 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 करके देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो डॉट 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 करके देखेगा, पता चलेगा सर 85 आए, सर 20 आए, सर 30 आए, है ना। असल में ये जो डॉट बनाते हो ना, ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन तो है, पर रियल में ये पॉइंट को ठीक से दिखा नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है ना, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, पॉइंट का सिंपल मतलब हुआ पोजीशन। कहते नहीं कि इस पॉइंट पे ले आओ, इस पॉइंट से उस पॉइंट पे चला गया ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली वो पोजीशन को दिखा रहा होता है ना। और ये डॉट जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इस छोटे से डॉट में 10 लाख से ज्यादा एटम है। सोचो कितना ज्यादा स्पेस है इसके अंदर। आपने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि मैटर जिस छोटे छोटे पार्टिकल से, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको आप एटम कहते हो, तो उस एटम के साइज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि हाँ एटम कितना बड़ा है, उसका शेप में कैसा है। तो स्फेरिकल है तो उसका रेडियस इतना होता है, उसका न्यूक्लियस का साइज ये होता है। तो साइज के बारे में बात करते हैं, नैनोमीटर में, नहीं एंगस्ट्रॉम में, फेमटोमीटर में, तो इन सब की बातें होती है ना। फिर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है अलग अलग ऑर्बिट्स में, तो बहुत सारा स्पेस तो एटम के खुद अंदर है। फिर दो एटम भी एक दूसरे से कुछ दूर दूर है, ऐसे तो नहीं होंगे एकदम चिपके चिपके होंगे, है ना। तो एटम्स के बीच भी स्पेस होगा, और उस तरह से कई एटम, 10 लाख से ज्यादा एटम इस छोटे से डॉट के अंदर है। तो आप समझ सकते हो किसके अंदर कितना ज्यादा स्पेस है ना। और हम जो एक डॉट देके समझते हैं कि हो गया, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सही नहीं सोचते। समझ में आ रहा है ना। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा होगा देखो हम गिन रहे सर 1 2 3 4 5 6 7, कुछ गिन भी रहा होगा मेरा वीडियो देखते देखते, है ना। सोच रहा होगा तब तक हम गिन के बता देते हैं सर को कि इस दोनों पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट हैं, है ना। असल में ये डॉट बस मेरी मजबूरी है ना। हम इससे छोटी आकृति बना ही नहीं सकते बोर्ड पे। सबसे छोटी आकृति अगर मुझे बोर्ड पे बनाने के लिए कहा जाए, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक ऐसे डॉट दे दूंगा, थोड़ा भी इधर उधर किया ना तो बड़ा बन जाएगा। तो मैं मजबूर हूं, ठीक है, इससे छोटा बना नहीं सकता। लेकिन अगर दिखाना है कि भाई किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, तो डॉट तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना।
तो ये जो डॉट डॉट देकर के आप गिन रहे हो कि कितने पॉइंट हो गए इस दो पॉइंट के बीच में, ये भ्रम है कि आपने सही सही गिन लिया। असल में इनफाइनाइट पॉइंट में कितना भी नजदीक दो पॉइंट लिखो ना, उसके बीच में भी अनंत पॉइंट आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि आप बहुत विशाल हो गए और पूरे ब्रह्मांड को आप देख रहे हो एक साथ, ठीक है? आपका साइज बहुत बड़ा हो चुका है, भगवान हो गए हो आप, है ना? और पूरे ब्रह्मांड को आप एक साथ देख रहे हो, तो आपको आपकी पृथ्वी कैसी नजर आएगी? एकदम छोटी सी डॉट जैसी, है ना? शायद डॉट से भी छोटी नजर आए, तो इतनी छोटी हो जाएगी। पर आपको तो पता है पृथ्वी पे कितना स्पेस है ना? लेकिन एज कंपेयर टू योर साइज, बिकॉज यू आर बिकमिंग ए वेरी पावरफुल गॉड, वेरी वेरी बिग लार्ज गॉड, है ना? तो आपके लिए पृथ्वी डॉट जैसी है, लग रहा है कि एक पॉइंट है। पर मुझसे पूछो यार, आप कितना ज़्यादा स्पेस है, है ना? मैं तो इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जाऊँ तो भी मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा चल लिया बहुत ज़्यादा, मतलब चलना नहीं, सॉरी, चलने का आइडिया नहीं है मेरा, ठीक है? तो मतलब मैं जिस भी व्हीकल से जाऊँ, गाड़ी से जाऊँ, तो बहुत मुझे लगेगा कितना दूर है, कितना बड़ा मेरा इंडिया है। फिर पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे पृथ्वी की बात करूं, अर्थ की बात करूं, तो ये तो बहुत बड़ा है। और आप भगवान को क्या लग रहा है कि भैया ये तो छोटा सा डॉट है कि नहीं? तो वही हाल यहाँ पर है, ठीक है? आपको लग रहा है कि ये डॉट है, पर ये डॉट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, अनंत, इसके अंदर भी अनंत पोजिशंस है ना, इनफाइनाइट पोजिशंस। तो बेसिक फंडा ये है कि इस लाइन पे जितने पॉइंट नजर आ रहे हैं, सब किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? रियल नंबर्स का मतलब दिमाग में रखिए, रेशनल और इरेशनल, है ना? पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसको देखिए, वहां मैंने चर्चा किया है कि रियल नंबर क्या होता है। तो असल में रेशनल और इरेशनल का कॉमन नेम है रियल नंबर, ठीक है? हम दोनों को रियल नंबर बुलाते हैं। तो जितने भी आपके रेशनल इरेशनल नंबर हैं, वो सब इस लाइन पे आ जाएंगे, है ना? एवरी रियल नंबर या एवरी रेशनल और इरेशनल नंबर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ दिस नंबर लाइन, एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। याद कर लो इसको, है ना? जो लाइन मैं बोल रहा हूं इसको याद करो, मैं क्या कह रहा हूं कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। पहली बात कि आप कोई भी पॉइंट पकड़ो, वो एक यूनिक रियल नंबर को दिखा रहा है। जैसे आप देख रहे हो, ये वन को दिखा रहे हैं, टू को दिखा रहे हैं, है ना? इस वन टू के बीच में जितने पॉइंट आ रहे हैं, वो भी किसी न किसी नंबर को दिखा रहे हैं। जैसे मैं ठीक बीच में अगर कोई पॉइंट लेता हूं, तो पता है किसको दिखा रहा है? ये 1.5 को। समझ में आ रहा है? मैं 0-1 के ठीक बीच में ले रहा हूं, तो किसको दिखा रहा है? ये 0.5 को। 0.5 और 0 के ठीक बीच में जो पॉइंट है, वो किसको दिखा रहा है? तो 0.25 को। असल में हर रियल नंबर जो है ना, इस लाइन पर का एक यूनिक पॉइंट है, और हर पॉइंट इस लाइन पर का एक यूनिक रियल नंबर है। आप सुन रहे होगे मेरे को, तो या फिर अभी जो मैं बोल रहा हूं कि बार बार मैं यूनिक वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं यूनिक वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी जो दूसरा, यानी दूसरा नहीं, है ना? यूनिक का सिंपल मतलब हुआ अद्वितीय, यानी दूसरा नहीं। मैंने कहा कि इस लाइन का हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को दिखाएगा। मतलब अगर जैसे इस पॉइंट की देखो, ये किसको दिखा रहा है? -1। तो ये सिर्फ -1 को ही दिखाएगा, और किसी को नहीं दिखाएगा। जब पूछा जाएगा कि ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, तो जवाब सिर्फ एक होगा, कौन? -1। किसी और पॉइंट के बारे में भी मैं पूछूं कि ये किसको दिखा रहा है, तो जवाब सिर्फ एक होगा, 1.5। ये नहीं कि मैं किसी पॉइंट के बारे में पूछूं कि ये किसको दिखा रहा है, और आपके पास बहुत सारे जवाब हो, इसको भी दिखा रहा है, उसको भी दिखा रहा है, उसको भी दिखा रहा है। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल यूनिक होगा कि ये पॉइंट इसी रियल नंबर को दिखाता है और किसी को नहीं दिखाता, है ना? यूनिक का मतलब भी तो ये होता है। नहीं कहते कि ही इज यूनिक पर्सन, मतलब अगर उसके जैसा बात करोगे तो बस वही मिलेगा, और कोई मिलने वाला नहीं है। तो इस लाइन का हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर है। और अगर किसी रियल नंबर की बात हो रही है, अगर किसी रियल नंबर की बात हो रही है, तो वो रियल नंबर कुछ और नहीं, इस लाइन पर का एक पॉइंट है। हर रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट है। जैसे कि मैं पूछूं -5, मिलेगा?
माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, फिर इतना ही और आगे बढ़ जाओ माइनस फोर, फिर उतना ही और आगे बढ़ो माइनस फाइव। तो इस नंबर लाइन पे आगे जाकर आपको मिलने वाला है कौन, माइनस फाइव भी मिल जाएगा, कोई भी बोल दो, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, सारे मिलने वाले हैं यहाँ पे, कोई छूटेगा नहीं। अब एक बच्चा सोच रहा है सर रूट टू कहाँ दिख रहा है मुझे, कैसे पकड़ूंगा रूट टू कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, आते हैं उस पर भी आते हैं, है ना, रूट टू कहाँ कहाँ मिलेगा। पहले ये तो समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं इसको फिनिश करता हूँ कि आज मैंने अभी क्या समझा, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। अभी मैंने क्या समझा, अभी मैंने समझा नंबर लाइन के बारे में कि नंबर लाइन क्या होता है। तो भैया एक लाइन होती है जिसका हर एक पॉइंट एक किसी न किसी यूनिक रियल नंबर को दिखाता है, और जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इस लाइन पर का एक यूनिक पॉइंट होता है। ठीक है, यदि ये बात गई ना दिमाग में, इसको याद कर लो, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। एंड एक और बात याद रखनी है कि एवरी रियल नंबर इज ए पॉइंट, इज ए यूनिक पॉइंट ऑफ द रियल नंबर लाइन। आप सिंपली नंबर लाइन भी कह सकते हो। ठीक है, रियल नंबर लाइन बोलने से लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा वजन पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है ना, तो थकावट सी महसूस हो रही है अगर, तो आप नंबर लाइन भी कहोगे तो चलेगा। ठीक है, तो क्या लाइन है यहाँ पर, इसको एक बार पढ़ पढ़ के, बार बार पढ़ पढ़ के इसको याद करना है आपको, और समझना है कि हम बोल क्या रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर लाइन का हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, है ना, वो किसी यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, एंड एवरी रियल नंबर इज ए, अच्छा इसको रिप्रेजेंट्स हटा देते हैं और सीधा सीधा मैं लिखता हूँ कि एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर लाइन इज अ यूनिक रियल नंबर, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑफ अ रियल नंबर लाइन इज अ यूनिक रियल नंबर, पहली बात। दूसरी बात, एवरी रियल नंबर इज ए यूनिक पॉइंट ऑफ द रियल नंबर लाइन, मतलब समझ में आया, हर पॉइंट रियल नंबर का, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर, या यूनिक वर्ड मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि एक पॉइंट एक ही रियल नंबर को दिखाएगा, है ना, एक पॉइंट दो तीन चार रियल नंबर को नहीं दिखाने वाला, एक पॉइंट एक ही रियल नंबर को दिखाएगा, इसलिए यहाँ यूनिक की बात हो रही है ना, कोई पॉइंट है तो वो पता चलेगा उसी को दिखाएगा और किसी को नहीं दिखाने वाला। ठीक है, और दूसरी बात है कि हर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए यूनिक पॉइंट ऑफ द रियल नंबर लाइन, ये कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर लो तो वो आपको पता चलेगा कि क्या है, तो वो नंबर लाइन पर का एक पॉइंट है, और कैसा पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, मतलब हर रियल नंबर के लिए एक ही पॉइंट, जैसे मैंने कहा हर पॉइंट के लिए एक रियल नंबर, एक ही रियल नंबर, हर पॉइंट एक रियल नंबर, है ना, और हर रियल नंबर एक पॉइंट, समझ में आ रहा है। ठीक है, यही बात है, तो ये लाइन आपको याद हो गई होगी, एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि इसको आपको पढ़ना है और इसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, देखो समझना एक चीज़ होता है और उसको याद रखना ये दूसरी चीज़ होती है ना, बच्चे समझते ही समझ गए याद क्या करना, पर ऐसी बात नहीं है, समझना एक घटना है, याद रखना दूसरी घटना है, जितनी बातें हम समझे हैं वो हमें याद ही रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम लोग भूलना तो नेचुरल गुण है, भूलते ही हैं, तो आपको ये याद रखनी है, क्या याद रखनी है, फिर से एक बार इसको पढ़िए, एवरी पॉइंट ऑफ ए रियल नंबर लाइन इज अ यूनिक रियल नंबर, एंड एवरी रियल नंबर इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ द रियल नंबर लाइन। ठीक है, याद हो गया, एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर लाइन इज अ यूनिक रियल नंबर, एंड एवरी रियल नंबर इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ द रियल नंबर लाइन।
क्लियर हो गया? अब इसको बार बार पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। और चलो आगे बात कर लेते हैं। ये नंबर लाइन है ना, मैंने तो कह दिया कि इस लाइन पर का हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को दिखाता है। पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर मार्किंग तो बस 1, 2, 3, 4 इसी इन्हीं के की गई है, बाकियों की क्यों नहीं की जा रही है, बाकी कैसे ढूंढेंगे कहाँ है, कौन है, क्या है, ठीक है, कौन पॉइंट कौन सा रियल नंबर कैसे बताएंगे, ये सवाल तो बनता है ना आप लोग का। तो पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये 1 को क्यों दिखा रहा है, आखिर ये 1 को कैसे दिखा रहा है, ये आखिर 2 को कैसे दिखा रहा है, ये 3 को कैसे दिखा रहा है ना। तो इसमें सीधा सा क्या यूज़ किया गया है, एक लेंथ लिया गया है ना, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा लेंथ है, ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, तो इतना बड़ा एक लेंथ लिया गया है जिसको कहा जा रहा है यूनिट लेंथ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ ले सकते हो यूनिट लेंथ के जगह पर, जैसे कि यहाँ पे ये कोई मेजरमेंट होगा, आई थिंक ये कितना होना चाहिए, मुझे तो कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा है, मान लो जो 10 सेंटीमीटर, ओके, तो 10 सेंटीमीटर को ही यूनिट लेंथ मान लिया गया है, आपकी मर्जी, आप 5 सेंटीमीटर को यूनिट लेंथ ले लो, 1 सेंटीमीटर को ले लो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने बड़े लेंथ को यूनिट लेंथ लेते हो। फिर इसको यूनिट लेंथ कहना है ना, और इसी लेंथ पर बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट को मार्क किया गया है ना। वन क्यों, कौन सा पॉइंट 1 को दिखा रहा है, तो जो 0 से 1 यूनिट राइट है। कौन सा पॉइंट 2 को दिखा रहा है, तो जो 0 से 2 यूनिट राइट है। कौन सा पॉइंट 3 को दिखा रहा है, जो 0 से 3 यूनिट राइट है। कौन सा पॉइंट 4 को दिखा रहा है, जो 0 से 4 यूनिट राइट है। मतलब आपको समझ में आया कुछ, मतलब ये हुआ कि 0 से x यूनिट राइट जाने पर जो भी पॉइंट मिलेगा वो x को दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 से x यूनिट राइट जाने पर जो भी पॉइंट मिलेगा वो किसको दिखाएगा, x को दिखाएगा। वैसे ही आप यहां देखो, 0 से 1 यूनिट लेफ्ट जो पॉइंट है किसको दिखा रहा है, -1 को। 0 से 2 यूनिट, ये वन टू हो गया ना, तो 0 से 2 यूनिट लेफ्ट जाने पर जो पॉइंट है किसको दिखा रहा है, -2 को। 0 से 3 यूनिट लेफ्ट जाने पर जो पॉइंट है वो किसको दिखा रहा है, -3 को। 0 से 4 यूनिट लेफ्ट जाने पर जो पॉइंट है किसको दिखा रहा है, -4 को। मतलब समझ में आया कि 0 से x यूनिट लेफ्ट जाने पर जो पॉइंट मिलेगा, जो भी पॉइंट मिलेगा वो किसको दिखाएगा, -x को। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सिंपल फंडा यही है कि नंबर लाइन पे एक पॉइंट होगा 0, उसके बाद एक लेंथ होगा जिसे यूनिट लेंथ कहेंगे, नहीं, और जितना यूनिट हम लेफ्ट जाएंगे उतना वो माइनस में नंबर को, मतलब जो भी पॉइंट मिलेगा वो माइनस में, वो पॉइंट उस नंबर को माइनस में रिप्रेजेंट करेगा, और जितना यूनिट राइट जाएंगे जो पॉइंट मिलेगा वो उतना प्लस में नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल फंडा है। 0 से x यूनिट राइट जाइए, जो पॉइंट मिलेगा वो x को दिखाएगा, प्लस x को दिखाएगा। 0 से x यूनिट आप लेफ्ट चले जाइए, जो पॉइंट मिलेगा है ना वो -x को दिखाएगा, मतलब माइनस में नंबर दिखाएगा। राइट वाले सारे प्लस को दिखाएंगे और लेफ्ट वाले सारे माइनस को दिखाएंगे, है ना। वैसे भी ये माइनस बताएगा डायरेक्शन को कि वो कहाँ है ना, कहाँ है वो पॉइंट, तो वो पॉइंट 0 से लेफ्ट है, नहीं, प्लस बताएगा कि कहाँ है वो, तो वो पॉइंट 0 से राइट, नहीं, पॉइंट रियल नंबर पॉइंट है ना। तो अगर मैं पॉइंट की जगह रियल नंबर बोल दूँ, रियल नंबर की जगह पॉइंट बोल दूँ, तो कोई गुनाह नहीं है ना। मैं कहूँ कि ये रियल नंबर है, मैं कहूँ ये पॉइंट है, सेम बात है, क्योंकि पॉइंट ही रियल नंबर है, रियल नंबर ही पॉइंट है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अब इतना समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि 0 से अगर मैं 100 यूनिट राइट जाऊं और मुझे जो पॉइंट मिलेगा 100 यूनिट राइट जाने से, वो पक्का 100 को दिखाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 से अगर मैं 100 यूनिट लेफ्ट चला जाऊं तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा वो पक्का -100 को दिखाएगा, है ना। अब फिर बात आती है कि सर इस पे -20 कहां मिलेगा, तो माइनस, जैसे ही माइनस बोले आप समझ जाओ लेफ्ट, जैसे ही प्लस बोले आप समझ जाओ राइट की बात हो रही है, क्लियर है। कोई बोला कि -20 कहां मिलेगा, तो 0 से 20 यूनिट लेफ्ट जानी है, जो पॉइंट मिला वो -20।
फिर भी बोलेगा अच्छा प्लस 20 कहाँ मिलेगा, प्लस बोला समझ जाओ राइट की बात हो रही है, तो 0 से 20 यूनिट राइट चले जाओ, जो पॉइंट मिला प्लस 20 को दिखाएगा, क्लियर है ना। प्लस 15 कहाँ मिलने वाला है, 0 से 15 यूनिट राइट जाइए, जो पॉइंट है प्लस 15 हो गया। माइनस 15 कहाँ मिलने वाला है, 0 से 15 यूनिट लेफ्ट जाइए, जो पॉइंट मिलेगा वो माइनस 15 को दिखाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एकदम सिंपल फंडा है ना, कि 0 से x यूनिट राइट जाइए, जो पॉइंट मिला वो प्लस x, 0 से x यूनिट लेफ्ट जाइए, जो पॉइंट मिला वो माइनस x। अब आप समझ गए होंगे कि 18.96 कहां मिलने वाला है, एक रियल नंबर है ना, कहां मिलने वाला है, 0 से 18.96 यूनिट आप राइट जाइए, जो मिलेगा वो इसको, जो पॉइंट मिलेगा वो 18.96 को दिखाएगा। माइनस 2.75 कहां मिलने वाला है, तो 0 से 2.75 यूनिट आप लेफ्ट जाइए, जो पॉइंट मिलेगा वो आपका माइनस 2.75 को दिखाएगा। फिर बात आती है कि रूट 2 कहां मिलेगा सर, रूट 3 कहां मिलेगा सर, सेम फंडा है ना भैया, अभी यही पढ़ा ना कि 0 से x राइट जाओ, जो मिला वो प्लस x, x लेफ्ट चले जाओ, जो मिला वो माइनस x। तो अगर रूट 2 को ढूंढना है तो फिर क्या करना है, 0 से रूट 2 यूनिट राइट जाइए, जो पॉइंट मिलेगा वो प्लस रूट 2, 0 से रूट 2 यूनिट लेफ्ट चले जाइए, जो पॉइंट मिला वो माइनस रूट 2। सीधा सिंपल सा फंडा हो गया, समझ में आ रहा है ना। रूट 5 को दिखाना है, रूट 6 को दिखाना है, नहीं कहां से आएगा रूट 6, कौन पॉइंट है रूट 6, कैसे पता चलेगा, सिंपल रूट 6 यूनिट आप राइट जाइए, जो पॉइंट मिला वो रूट 6, कहां से 0 से, 0 से रूट 6 यूनिट राइट जाइए, जो पॉइंट मिला वो रूट 6, और 0 से रूट 6 यूनिट लेफ्ट चले जाइए, जो पॉइंट मिला वो माइनस रूट 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब ये विश्वास हो गया ना कि हर एक पॉइंट रियल नंबर को दिखा रहा है, हर रियल नंबर आपको यहां मिल ही जाएगा, आप कोई भी रियल नंबर बोलो वो मिल ही जाएगा, ठीक है। मैंने तो यहां पर सिंबल में बात कर दिया, एक्स के टर्म में बात कर रहा हूं कि कोई भी रियल नंबर एक्स हो, ठीक है, मतलब यहां मैं एक्स की जो बात कर रहा हूं ना, तो वे एक्स समझ लो कि पॉजिटिव है, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस एक्स पक्का निगेटिव हो गया, राइट है ना, एक्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस एक्स क्या है, निगेटिव है। तो अगर मैं एक्स यूनिट राइट जाऊं तो जो पॉइंट मिलेगा वो प्लस एक्स को दिखाएगा, एक्स यूनिट लेफ्ट चला जाऊं जीरो से, जीरो से एक्स यूनिट राइट जाऊं जो पॉइंट मिलेगा वो प्लस एक्स को दिखाएगा, जीरो से एक्स यूनिट लेफ्ट चला जाऊं जो पॉइंट मिलेगा वो माइनस एक्स को दिखाएगा, एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, मेन फंडा क्या है, रियल लाइन नंबर लाइन पे कोई पॉइंट कैसे किस रियल नंबर को दिखाते हैं, तो समझ में आ गया। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे एक बच्चा बोल रहा है सर रूट टू, आप कह रहे हो कि रूट टू यूनिट राइट चले जाएंगे तो जो पॉइंट मिलेगा वो रूट टू को दिखाएगा, है ना, तो फिर रूट टू लेंथ कितना बड़ा होता है ये कैसे समझ में आएगा क्योंकि जो स्केल है उस पर तो रूट टू लिखा हुआ ही नहीं है ना, आपके पास जो स्केल आती है सेंटीमीटर स्केल मीटर स्केल, तो उसमें तो 1, 2, 3, 4 रहते हैं, है ना, 0.1, 0.2 करके आ जाएंगे, पर रूट टू रूट थ्री का तो स्केल बना ही नहीं है, कहां से आएगा, है ना। तो फिर रूट टू लेंथ कितना बड़ा होता है कैसे पता चलेगा, तो अगर अच्छा रूट टू लेंथ होता है ना, भले ही मुझे मेरे पास स्केल नहीं है पर लेंथ तो कोई ना कोई होगा ही रूट टू, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रूट टू लेंथ की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो कैसे व्यवस्था करेंगे भैया, ठीक है, कैसे व्यवस्था करने वाले हैं, सोचो रूट टू कहाँ देखे होंगे आप सब, राइट ट्रायंगल के बारे में तो जानते हो ना कि नहीं जानते हो, राइट ट्रायंगल तो जानते हो ना, राइट ट्रायंगल के बारे में, राइट ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है ना वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, और पता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कहा जाता है, जो सबकी सबसे बड़ी साइड होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेनस,
उसके बाद बचे दो साइड, तो इसमें से किसी एक को फिलहाल आप कह दीजिए परपेंडिकुलर, है ना, किसी को कह दीजिए, वैसे मैंने इसी को कह रहा हूं, और किसी एक को कह दीजिए बेस। देखो ये नाम भले ही बदल जाए, हो सकता है कभी कोई इसको परपेंडिकुलर बुलाए इसको बेस, कोई इसको परपेंडिकुलर बुलाए इसको बेस, तो ये पोजिशन चेंज होते रहेंगे, है ना। थोड़ा सा आप ग्रो करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसे परपेंडिकुलर कहना है किसे बेस कहना है, पर अभी फिलहाल आप किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये पोजिशन, ये जो हाइपोटेनस का पोजिशन है, ये फिक्स है कि 90 के सामने वाला यानी सबसे जो बड़ी साइड है वो कहलाती है हाइपोटेनस। क्लियर है। फिर आपके पास आता है एक थ्योरम जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, और वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड कौन होता है भैया, वो तो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस के लिए हम लोग एच लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर के लिए पी लिख रहे हैं, बेस के लिए बी लिख रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है यानी हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो जो छोटे साइड्स हो गए उनके स्क्वायर के सम के, यानी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के, है ना। इस थ्योरम को तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पाइथागोरस महोदय ने बहुत पहले ही दिया था, हजारों साल पहले। ठीक है, तो ये आया रिजल्ट, वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास। इस रिजल्ट की मदद से क्या हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको कि बिल्कुल सर, क्या आने वाला है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये h की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। अब जरा सोचो क्या सोचो भैया, अब जरा सोचो कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, मतलब ये रिजल्ट याद हो गया ना भैया, ये हो गया ना दिमाग में गई ये बात। ठीक है, मैंने देखो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता हो कि हाँ ये तो सर मुझे पता ही था आप क्यों बता रहे हो, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए ये बताया जिनको ये रिजल्ट नहीं मालूम है, है ना। तो वो याद रखें कि राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर बाकी दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सबसे बड़ी साइड को कहा जाता है हाइपोटेनस, और अगर मैं उस हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस, मतलब बाकी दो छोटे के स्क्वायर का सम, जिसे आप परपेंडिकुलर और बेस कह रहे हो। आप याद ही रखो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बी इन्हीं में से कोई एक होगा, पर h और h कौन होगा, h ये होगा। ठीक है, आप p की जगह इसको लिख दो, इसको b की जगह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पर h हमेशा सबसे बड़ा होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया, क्लियर है। सबसे बड़ी साइड अगर निकालनी है राइट ट्रायंगल में क्या करना है, दो छोटे साइड का स्क्वायर करना है, सम करना है, रूट ले लेना है। ठीक है, अब फटाक से आते हैं और एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक राइट ट्रायंगल है, और पता है इसका लेंथ क्या है, 1 यूनिट, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, हाइपोटेनस है ना, क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ भैया, 1 प्लस 1 यानी रूट 2, मिल गया, है ना, यही तो ढूंढ रहे थे आप लोग, नहीं कि रूट 2 कितना बड़ा होता है सर, कैसे समझ में आएगा। फटाक से एक राइट ट्रायंगल बनाओ, जो भी आपने यूनिट लेंथ लिया है, मैंने यहां पर बड़ा ले लिया, पर बड़ा नहीं लेंगे भैया। ठीक है, नंबर लाइन की बात जब आएगी तो जितना बड़ा यहाँ पे वन यूनिट लेंथ आपने लिया है उतना ही बड़ा लेंथ लेकर के, मतलब ये आपका 1 यूनिट है ना, 0 से 1 का जो डिस्टेंस है ना वो 1 यूनिट है, या 1 से 2 का, ये सब इक्वल इक्वल स्पेस पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा आप 1 यूनिट लेंथ लो और उसके बाद राइट ट्रायंगल बना डालो। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, और ये हो गया मेरा राइट ट्रायंगल। तो यहां जो हाइपोटेनस बनने वाला है इसका लेंथ आएगा आपका क्या, रूट 2, एकदम क्लियर। ठीक है, आपको रूट 2 लेंथ मिल गया, रूट 2 यूनिट लेंथ पता चल गया। और फट से क्या कीजिए, 0 से अगर प्लस रूट 2 को दिखाना है तो 0 से इतना लेंथ राइट चले जाइए। ठीक है, आपको इतना लेंथ राइट जाने के लिए मतलब कैसे पता चले इतना लेंथ चले गए, तो आपके पास आता है ना कंपास,
आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास आती है, तो आपको करना क्या है कि कंपास लेना है, ठीक है, कंपास लेना है, उसका एक एंड आपको यहाँ रखना है ऐसे, और एक एंड यहाँ रखना है, ठीक है। अब ऐसे आ जानी है और ऐसे ऐसे कट कर देनी है, ठीक है। ये पॉइंट किसको दिखाएगा भैया? रूट टू को। कैसे पता चला कि रूट टू को दिखा रहा है? बिकॉज ये जीरो से रूट टू यूनिट राइट है। समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर हो गया कि रूट टू कौन क्या है, रूट टू को कौन दिखाएगा, रूट थ्री को कौन दिखाएगा, तो रूट थ्री यूनिट राइट जाने पर। फिर अब सवाल ये कि रूट थ्री यूनिट कितना बड़ा लेंथ होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो भैया आपके पास ये रूट टू लेंथ तो है ही, इतना ही ये वन यूनिट है ना, तो एक परपेंडिकुलर आप यहाँ ड्रॉ कर लो वन यूनिट लेंथ का, और फिर एक नया राइट ट्रायंगल बना डालो। समझ में आ रहा है? अब ये जो ट्रायंगल आपके सामने बना है, इसका जो हाइपोटेनस होगा, आप निकाल के देखो, इसका एच निकाल के देखो तो क्या आ रहा है? रूट अंडर ये वाला का स्क्वायर प्लस ये वाले का स्क्वायर, यानी रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कितना आने वाला है? रूट टू का स्क्वायर तो टू होता है, और वन का स्क्वायर वन होता है, तो टू प्लस वन यानी रूट थ्री। तो भैया ये लेंथ रूट थ्री हो गया, है ना? मतलब हमने व्यवस्था कर लिया, स्केल तो नहीं था मेरे पास, स्केल पे लिखा हुआ नहीं था कि हाँ ये रूट टू लेंथ है, ये रूट थ्री लेंथ, तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। तो रूट थ्री लेंथ मिल गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे? जीरो से रूट थ्री यूनिट राइट जाएंगे, है ना? ये लेंथ आप मेजर कर लो कितना बड़ा है कंपास की सहायता से, ऐसे आप इतना बड़ा आर्क ले लो, और फिर बिना हिलाए डुलाए ये यहाँ रखो जीरो पे, और ऐसे ऐसे मार्किंग करो। तो ये जो पॉइंट आ गया, ये किसको दिखाएगा? रूट थ्री को। आप राइट जाओगे तो प्लस में रूट थ्री, वही लेफ्ट चले जाओ, ठीक है, आप यहां से उतना यूनिट लेफ्ट चले जाओ, तो ये जो पॉइंट आएगा वो किसको दिखाएगा? माइनस रूट थ्री। क्लियर है, है ना? वैसे रूट फाइव की भी व्यवस्था कर सकते हैं। रूट फाइव कैसे मिलने वाला है सोचो? रूट फाइव कैसे आ सकता है? टू यूनिट एक साइड रखते हैं और वन यूनिट एक साइड रखते हैं। यहाँ ये वन यूनिट का मतलब हो गया ठीक वही स्केल लेना है जो आपने यहाँ लिया, इसको बदलना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो बड़ा छोटा कर लेते हैं, जैसे ये जीरो, यहाँ वन, फिर यहाँ टू कर देंगे, फिर यहाँ थ्री कर देंगे, है ना? और जब इस ट्रायंगल को बनाने की बात आएगी तो यहाँ पे वो इस इतने बड़े को वन दिखा रहे हैं, वो इतने बड़े को वन दिखा देंगे, ये वन ये वन, ये गड़बड़ करना है। समझ में आ रहा है? एक बार जो स्केल फिक्स कर लिया कि इतना बड़ा लेंथ वन यूनिट है, तो बस वो फिक्स हो गया, ठीक है, उसको फिर चेंज नहीं करना है, वही हमारे लिए वन यूनिट लेंथ रहेगा। क्लियर हो गया सबको? मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे रूट फाइव के बारे में। तो रूट फाइव कैसे व्यवस्था होगा? तो अगर मैं दो यूनिट देख लो, दो यूनिट मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, एक दो, ठीक है, दो यूनिट है, तो दो यूनिट एक साइड रखनी है, वन यूनिट एक साइड रखनी है ना, और बना डालना है राइट ट्रायंगल। अब जरा बताओ कोई कि कितना बड़ा होना चाहिए? ये वन है, ये टू है, और ये राइट ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनस कितना होना चाहिए सोचो? रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी टू टू जा फोर प्लस वन, दैट इज रूट फाइव। मिल गया ना? रूट फाइव कितना बड़ा लेंथ है पता चल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, नहीं, कंपास की मदद से लेंथ देख लेना है, और फिर यहां से रूट फाइव यूनिट आपको चला जाना है किधर, क्या बोलते हैं, राइट साइड में जो पॉइंट मिलेगा वो आपका रूट फाइव हो जाएगा। वैसे ही रूट फाइव यूनिट आप लेफ्ट चले आइए, जो पॉइंट मिलेगा वो आपका माइनस रूट फाइव हो जाएगा। एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मेन कंसेप्ट देखो यही है कि नंबर लाइन है, उस पर एक पॉइंट है जो जीरो जीरो को दिखा रहा है, आप एक्स यूनिट राइट चले जाओ, जो भी पॉइंट मिलेगा वो राइट, सॉरी इधर नहीं इधर, आप एक्स यूनिट राइट चले जाओ, जो भी पॉइंट मिलेगा वो प्लस एक्स को दिखाएगा, और एक्स यूनिट लेफ्ट चले जाओ, जो भी पॉइंट मिलेगा वो माइनस एक्स को दिखाएगा, है ना? जितना लेंथ राइट जाएंगे उतना, मतलब जो पॉइंट मिलेगा वो उतना प्लस में नंबर को दिखाएगा, और जितना यूनिट लेफ्ट चले जाएंगे जो पॉइंट मिलेगा उतना वो माइनस में नंबर को दिखाएगा। क्लियर हो गया? इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर है,
और हर एक रियल नंबर इस नंबर लाइन का एक यूनिक पॉइंट है।